चलो थाने, तुमसे कुछ बात करनी है। वारंट है आपके पास। हमने कहा ना, हमें तुमसे कुछ बात करना है। और अगर मैं ना कहूं तो? तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमको ना कहोगे? हाँ, बहुत शौक है तुमको लोगों को भविष्य बताने का ना, तब करिश्मा सिंह तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताएगी। सुनो, शराफत से 2 मिनट के अंदर अगर हमारे बाइक पे नहीं बैठे ना, तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के किसी बेड पर अपनी हड्डियां जुड़वा रहे होगे। और जो वहाँ के डॉक्टर्स होंगे ना, वो भी भौरा जाएंगे कि करे तो करे का, इसकी हड्डियां जोड़े या हड्डियों को तोड़ कर दोबारा लगाए। समझे? लगता है फिल्में बहुत देखती हैं आप मैडम, लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में एक आम आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, इसलिए पहले अपराध बताइए फिर हाथ लगाइए। बहुत बढ़िया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या करते हो मासूम लोगों के साथ? हाँ, उनके दिमाग के साथ खेलते हो, उनके दिल के साथ खेलते हो। शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को ठगते हो, मासूम लोगों को ठगते हो, और हमसे अपराध पूछ रहे हो। मैंने किसे ठगा मैडम? मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा। जिसने भी दिया है, जो भी दिया, अपनी मर्जी से दिया है। अब किसी की मदद हुई, किसी की नहीं हुई, अब इसे आप धोखाधड़ी थोड़ी कह सकती हैं। अब किसी की मदद करना कोई अपराध है भला? भैया वो कहाँ? देखो, ऐसा है कि भविष्य का वास्तविक रूपांतरण होने का समय अब आया है। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, चलो चलो थाने हमारे साथ। बंदर, उतरो, चलो थाने। चलो चलिए थाने, चलिए। कमाल है, एक अपराधी दूसरे अपराधी को थाने लेकर जा रहा है और देश का कानून सो रहा है। क्या बोले तुम? अपराधी? थाने चलिए, वहां चलकर मैं सबको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी SHO हसीना मलिक को कि कितना बड़ा धोखा दे रही हैं आप सबको, सबके साथ विश्वासघात कर रही हैं। मैं जानता हूं आपने किसे गायब किया है, और ये भी जानता हूं कि इस काम में आप अकेली नहीं है। आप ही के थाने का एक और मेंबर आपका साथ दे रहा है। अम्मा, इसे कैसे पता चला कि हम और पुष्पा जी उस टीन के डब्बे मीरा को ठिकाने लगाने का कोशिश कर रहे हैं? तो ज्ञान की बात यह है मैडम कि आप अगर मुझे थाने ले भी गई तो मेरा तो पता नहीं, मैं तो शायद छूट भी जाऊं, लेकिन आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगी और फिर आपका करियर खत्म, the end, full stop, बर्बाद, जेल। वाह रे तेरी दुनिया, वाह रे तेरा खेल। माइंड रीडर है करिश्मा मैडम का, एक उल्टा हाथ पड़ा होगा और दिमाग का सारा कचरा निकल गया होगा। है, दिखाओ गंदी सी दिमाग वाली ट्रिक, दिखाओ जिससे लोगों को पागल बनाते, खुद को चीते, बहुत बड़ा गेमर समझते हैं ये। है, हिम्मत है, निकल के दिखाओ। चलो, हवा हूँ मैडम, ये सलाखें मुझे क्या बांधेंगी, फुर्र से उड़ जाऊंगा और सब देखते रह जाएंगे। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैं सबके सामने आपका राज खोल दूंगा, बता दूंगा सबको कि आप कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। तुम सब मुझे बहुत बड़ा चीटर समझते हो ना,
अरे असली चीटर तो तुम्हारी ये मैडम है। बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, सबको धोखा दे रही है। कोई माने या ना माने, इन्हें पता है मैं सबका दिमाग पढ़ सकता हूँ और किसी के बारे में कुछ भी जान सकता हूँ, और इनके बारे में भी मैंने सब कुछ जान लिया है। देखो भैया, ऐसा है, ये जो तुम्हारा ठग का धंधा है ना, इसमें किस्मत का बहुत बड़ा भूमिका होता है, समझ लो हमारी बात को। पर एक बात बताएं तुमको, ये किस्मत जो होता है ना, बहुत बेवफा टाइप का नेचर होता है उसका, समझ लो, कभी किसी एक का नहीं हो पाता है, और जब उसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है ना, तभी धोखा देता है। जैसे अभी अभी तुमको तुम्हारी किस्मत का कितना जरूरत है, हाँ, लेकिन दे दिया ना धोखा, फंस गए तुम करिश्मा सिंह के झांसे में। अब कहाँ जाओगे यहाँ से, कहाँ जाओगे, या तो जेल में रहोगे या सीधा शमशान जाओगे। तो जो उखाड़ सकते हो ना उखाड़ लो, तुम्हारी ये टटपुंजी धमकियों में आने वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो फिर बुलाओ अपनी सीनियर ऑफिसर को, जिसकी आंखों में तुम सरेआम धूल झोंक रही हो। मैं बताऊंगा उन्हें कि उनके पीठ पीछे इस पुलिस थाने में क्या चल रहा है। बुलाओ भैया मैडम सर को, बुलाओ, तड़प रहे हैं ये मैडम सर से मिलने के लिए। हाँ संतु, बुलाओ। ऐसे कहाँ देख रहा है? बहुत चाहते हो ना तुम इस संतोष शर्मा को? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाबू। मैंने इसका दिमाग पढ़ा है, ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। क्या बोला रे तुम? क्या बोला, क्या बोला? बाबू भी शुक्र मनाओ कि तुम जेल में है और हम वर्दी में। तो कोई भी बाहर वाला अगर संतु जी के बारे में इतना सा भी कुछ बोला होता ना, तो मैयत सजा दिए होते, उसका अर्थी बिछा देते तुम्हारा यहाँ पे। और इससे बच गया ना तो ये बिल्लू चंपत अपना खोपड़ा तेरे खोपड़े पे मार मार के, मार मार के तेरा खोपड़ा फोड़ देगा। करिश्मा सिंह? जयंत मैडम सर। जयंत, क्या बात है, आप इस तरह से रास्ते के बीच में? कुछ जरूरी बात करना था मैडम सर आपसे। हाँ तो फोन पे भी तो बात कर सकते थे। फोन पे होने वाला बात नहीं है मैडम सर, थोड़ा जरूरी है इसलिए अभी करना है। ठीक है, हम भी थाने जा रहे हैं, चल के बात करते हैं। नहीं मैडम सर, आप थाने जाएंगे, आपको थाने जाकर किसी और के मुँह से बात पता चले, इसलिए हम खुद आपको बताएंगे। करिश्मा सिंह, आप किसको कूट दिया आपने? इस बार कूटा नहीं है मैडम सर, इस बार मीरा को हमने गायब किया मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, ये बहुत ही गंदा मजाक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मीरा सिर्फ हमारे कमांड सुनती है, तो फिर आप उसे गायब कैसे कर सकती हैं? पुष्पा जी के पास टैलेंट है ना मैडम सर, आपका हूबहू आवाज निकाल लेती है, तो हमारे कहने पर पुष्पा जी ने आपका हूबहू आवाज निकाला, उसको कमांड दिया, मीरा ने मान लिया और गायब। क्या मुसीबत है, अपना चार्जर साथ में लेकर नहीं घूम सकती थी? अब देखो, हम भी तो हमारे मोबाइल का चार्जर साथ लेकर घूमते हैं ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। और ये महारानी है कि कैसे करेंगे चार्ज तुमको। ठीक है, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अभी लाते तुम्हारे लिए खाना। क्या आपने पुष्पा जी ने आपका साथ दिया इस सब में? नहीं, लेकिन उनका गलती नहीं है मैडम सर, वो मजबूर है, उनको हमने मजबूर किया था ये सब करने के लिए। आप जानती हैं आपने क्या कर दिया है करिश्मा सिंह? अगर डिपार्टमेंट को इस बात की भनक भी लग गई कि ऐसा कुछ हुआ है, तो जानती है कितना बड़ा बवाल खड़ा होगा। एक मिनट में थाने पर ताला लग जाएगा और हम सबको फोर्स से निकाल दिया जाएगा, और फिर जिंदगी भर हम सबको इस शर्मिंदगी के साथ जीना होगा कि हमें फोर्स से सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने अपनी वर्दी, अपने फर्ज को धोखा दिया है और जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हुए हैं। जिम्मेदारी? ये हाँ मैडम सर, ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तकनीकी विकास के नाम पर पागलपन है, अंधा पागलपन, जो हमारी इंसानियत को ना ऐसा खा जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। और वो दिन दूर नहीं है जब ये मशीन जो है ना, वो हमारे भविष्य पर पैर रखकर खड़ा होके ना हंस रहा होगा, और हम बस बेबस होके ऐसे ऐसे तमाशा देख रहे होंगे। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम अपने इंसानियत को खाते हुए, उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। करिश्मा सिंह, एक ही बात हमें आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी, हम कितनी बार ये सेम डिस्कशन करेंगे? वो एक मशीन है जिसे डिपार्टमेंट ने हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ भेजा है, जिसे निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। ये देखो हम क्या लेकर आए हैं तुम्हारे लिए खाना।
ये देखो कहां से चार्ज करे तुमको। अरे अरे अम्मा कहां से चार्ज होती हो तुम? लगता है ये करंट ना तुम्हें कम पड़ रहा है। रुको हम तुम्हें सीधा करंट मारते हैं। ये देखो अब हम तुम्हें ऐसे करंट देंगे। और क्या करेंगे आप करिश्मा सिंह? आप एक मीरा को फेंक देंगे डिपार्टमेंट, दूसरी मीरा भेज देगा, तीसरी मीरा भेज देगा, कितनों को फेंकेंगे आप? जब तक टीम के डब्बे भेजते रहेगा हम सारे टीम के डब्बों को गायब कर देंगे। आप इतना चिंता काहे कर रही हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने उसको गायब कर दिया है? हमने? करिश्मा सिंह ऐसी गैर जिम्मेदाराना और ऐसी गैर कानूनी हरकत हम कभी नहीं कर सकते, तो इस हमने में हमें इंक्लूड मत करिया। बेहतर होगा कि आप हमें बता दें कि आपने और पुष्पा जी ने मीरा को कहां छुपा रखा है, वरना मजबूरन हमें डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा और फिर वो अपने तरीके से मीरा को ढूंढ ही लेंगे। आप एक मशीन के लिए हमारे खिलाफ जाएंगे मैडम सर? हम अपने उसूलों के लिए किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं करिश्मा सिंह, जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे किसी ने भी किया हो। बोलो क्या होता है पुष्पा जी, बोलिए, हम सीनियर हैं आपके, तमीज से बात कीजिए हमसे। ना ये तमीज वमीज जो है ना वो सब गई भाड़ में। आपको जरा तो शर्म आनी चाहिए थी, इस उम्र में अपनी सास से ये सब काम करवाते हुए, खुद क्यों नहीं किया? हमारी बात तो सुन लीजिए पुष्पा जी, हमारा प्लान कैंसिल। क्या जी? पुष्पा जी प्लान कैंसिल हो गया, आप समझिए हमारी बात को, आपको कुछ नहीं करना है। सुबह से अन्न का दाना तक नहीं हमारे पेट में और आप कह रही है प्लान कैंसिल हो गया? और ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? हमारा मैडम सर को सब पता चल गया पुष्पा जी। हाँ हाँ मैडम सर को सब पता चल गया है, हाँ? इतनी आसानी से आपके झांसे में नहीं आने वाले। माँ क्या गोलगप्पा खाते खाते दिमाग गोलगप्पा हो गया क्या आपका? क्या कह रहे हैं हम आपसे, मैडम सर को सच पता चल गया है? दिमाग किधर है आपका, समझिए आप गंभीरता को। फोन स्पीकर पर मैडम सर सब सुन रही है। अच्छा एक और झूठ, एक और प्रपंच। पुष्पा जी ये मजाक नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा ये मजाक नहीं है पुष्पा जी, हम सब कुछ जान चुके हैं। हमने मैडम सर की आवाज निकालकर जैसे मीरा मैडम को उल्लू बनाया। आप हमें मैडम सर की आवाज निकालकर डरा रही है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। पुष्पा जी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, हम हसीना मलिक ही बोल रहे हैं। हाँ तो हम भी प्रियंका चोपड़ा बोल रहे हैं। पुष्पा जी आप क्या बोल रही हैं? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए, हम सांस है आपकी, समझ गई ना? आप हमें वीडियो कॉल कीजिए, अब देखते हैं। हाँ जी हो गई तसल्ली। फौरन मीरा को लेकर थाने आई, और फौरन का मतलब जानती है ना? जी जी मैडम सर, हम फौरन मीरा मैडम को लेकर आते हैं। अरे यार कोई चाय तो पिला दो। हाँ तुम्हारा मौसी का होटल है ना। अरे यार कोई तो चाय तो पिला दो, चल चाय पी के आते। हाँ संतोष जी मेरे लिए भी एक ला दो ना। अभी लौटे और इसके लिए भी लेकर आएंगे, नेवला का जहर डलवा के। हाँ डेंजरस वाला लाना। आई संतोष आई आई। मैं भी तो यही चाहता था। क्या चाहते थे तुम? तुम्हें भी यही लगता ना कि मैं एक ठग हूं? ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत लॉटरी का टिकट दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक चोर हो और मैं एक चोर की मदद कभी नहीं कर सकता। चल बे हेपड़ी की, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला, और मुझे पता है तुम्हारे पास पावर और कुछ नहीं है। मैं अभी के अभी साबित कर सकता हूँ कि तुम गलत हो। अच्छा मेरे पास पावर है, और अगर मैं गलत साबित हुआ
तो मैं अभी के अभी तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम कहोगे। मंजूर है, क्या करना है? ये ताश की गड्डी है, इस गड्डी में से कोई भी तीन पत्ते मोड़ दो और मैं तुम्हें बिना देखे बता दूंगा कि वो पत्ते कौन से हैं। ठीक है। तीनों पत्ते ध्यान से निकालना। हाँ। क्योंकि यही वो तीनों पत्ते हैं जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला। पहला मोड़ दिया, दूसरा मोड़ा, दूसरा भी मोड़ दिया, तीसरा मोड़ा, ये तीसरा भी मोड़ दिया। बताओ तू अंदर क्या कर रहे हो? तू बाहर, मैं अंदर। तेरी तो मैं कैसा लगा मेरा चमत्कार बिल्लू चंपत? मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगा, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। चीता संतोष, ये देखो अर्जुन भाग रहा है, पकड़ो इसको। चीता संतोष जल्दी आओ। दिखा दिया ना बाहर निकल कर। हम चार बाग के लड़कों को कभी चैलेंज मत करना, दिल पे ले लेते हैं। चीते चल। अरे कैसर, इसको पुलिस में भर्ती किया। बिल्ले ठग किधर है? ठग किधर है? भाग गया। तो भाग गया मतलब कैसे भाग गया? तुम्हारे होते हुए कैसे भाग गया? मैडम सर की कैसे भागा? मैडम सर, दो सेकंड के लिए हम और संतु जी बदबुआ का जहर पीने गए थे, तब तक ही बिलोटा का आवाज आया। हम लोग जैसे अंदर आए ना मैडम सर, हमको यहाँ पर टेबल पर लड़ा दिया, हमारे सर पे सूरज निकाल दिया। संतु जी फूंक दीजिए थोड़ा। अरे सर, मुझे लगा कि मैं ही बड़ा चोर हूँ, शातिर ठग हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, लेकिन ये तो मेरा फूफा निकला, दो बार घिस कर चला गया। बिल्लू पर लालच है, मुझे डूब मरना चाहिए। कृष्णा मैडम मारिए, मुझे मारिए। भाई ये सच में मार दिया? अरे बढ़िया हुआ गोली मारने को नहीं कहा। एक काम दिया था वो ठीक से नहीं हुआ तुमसे, तुमको चाय पीने की पड़ी थी। और तुम एक काम करो, तुम भी भागो अब यहाँ से। हाँ भागो, जाओ निकलो यहाँ से तुम भी। अब ये ठग हमारे हाथ से नहीं बचेगा। पर कैसे मैडम सर, अब तक तो उसे समझ गया होगा कि हम उसके पीछे आने वाले, और वो अंडरग्राउंड हो गया होगा, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसान अपनी सूरत बदल सकता है अपनी सीरत नहीं, अपना किरदार बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। और अब इस ठग की फितरत ही हमें उस तक पहुंचाएगी, अब हम उसे उसी के तरीके से पकड़ेंगे। माहिर है तू अपने हुनर का तो क्या, कुछ अदाकारी हम भी अपने तजुर्बे की रखते हैं। अपना भूत भविष्य सब कुछ जानिए, मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन, अपना भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानिए, सबका समाधान मिलेगा नारी चमत्कारों वाली से। अरे कुछ भी पूछे, कुछ भी जानिए, इच्छा हो जाएगी पूरी तो फिर मानिए, नारी चमत्कारों वाली क्रिस्टल लेडी, कोई शक ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1,00,000 रुपए नगद इनाम क्रिस्टल लेडी की तरफ से, शुल्क मात्र 1,000 रुपए। इसे ले लो। आपका अलग है क्या भाई साहब? क्या वो बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? ये शक्ल बदल सकते हो? नहीं। तो फिर इस जन्म में तो मुश्किल है, ये तो योगा से भी नहीं होगा। जाओ कल आना, आना जरूर लेकिन बड़ा आया शादी दूचरे। ना हो पूरा काम उसको मिलेगा 1,00,000 रुपए नगद इनाम। इकबाल अरे चलना कुछ खाते है। हाँ लेकिन किसकी दुकान पे चल? जरा सुनिए, खाएंगे जरा। हाँ 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 शुक्रिया। चले शमशाद भाई। हाँ चलो, ये भी पढ़ लो। मन की शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन, अपना भूत वर्तमान भविष्य जानिए, शुल्क मात्र 1,000 रुपए, अगर बात गलत निकली तो 1,00,000 रुपए की वापसी।
गजब गजब संतु जी, एक साथ कितना ज्यादा कैमरा लगा दिया। जहाँ जहाँ बैठने की जगह उसके सामने कैमरा लगा दिया, क्या पता कहीं भी बैठ जाए वो। लेकिन संतु जी आपको लगता है वो ठग आएगा? हाँ हाँ बिलू जी, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि क्या ना, ये ईगो नाम की जो बीमारी है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। एक बार अगर किसी को लग गई ना तो समझो वो गया। इंसान की जितनी भी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस होती है ना, ये ईगो खा जाता है। और मैडम सर ने उसको ओपनली चैलेंज नहीं दिया, उसके ईगो को ललकारा, तो वो डेफिनेटली आएगा। ओ, ईगो से कम होगा वो। वेरी नाइस। नहीं लेकिन अभी तक तो आना चाहिए था उसको, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है वो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.